तो मैं तो बाहुबली देखने नहीं जाऊंगी, मैं ट्यूबलाइट देखने जाऊंगी। नहीं नहीं, बाहुबली ने जितना कमाया है क्या ट्यूबलाइट क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे ना, अभी नेवर एवर। बाहुबली ना बोलो, बाहुबली इज डिफरेंट मूवी। बाहुबली ने अरे चार लैंग्वेज में ना की है, खाली हिंदी लैंग्वेज में छे। बाहुबली में पांच हमारा दबाव जाता है। बाहुबली सिर्फ कट्टरपंथी बाहुबली क्यों मारा वो हिसाब से मैं गारंटी चैलेंज करता हूँ। अभी भी प्रभास का पूरा नाम कोई बता के दिखाऊं, आई कैन राइट एंड गिव, किसी को नहीं पता उसका नाम पूरा। सिर्फ वो क्रेज हुआ है, डेथ सीट। और सलमान खान 25 ईयर्स से राज कर रहा है, जब शर्ट उतरती है ना तो पब्लिक उठती है। बाहुबली, अगर बाहुबली 3 आती है आई कैन चैलेंज ऑन दिस, की अगर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और कुछ नहीं होगा। सलमान खान शाहरुख खान उतरती है, साउथ में नहीं उतरती। सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान 25 साल से राज कर रहे हैं, उन लोगों को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। सलमान खान शर्ट रिमूव, नॉट एनीवेयर एल्स, लेकिन वो तो सलमान शाहरुख आमिर पूरी इंडस्ट्री त्रण खान के चाल से, इंडस्ट्री तीनों के चल रही है। और लोग बोले तीनों खान डाउन हो गए, तीनों अगर बैठ जाएंगे ना मल्टीप्लेक्स में हाथ जोड़ के आएंगे भाई काम करो। बाहुबली कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बाहुबली 2 है, डेथ सीट। जब बाहुबली 1 आई थी तब बजरी के बजाने तो बाहुबली को भूल गए थे। दंगल लगने वाली थी दिसंबर में, बाहुबली 2 लगे दिसंबर में, बाहुबली 2 शिफ्ट हो गई, तभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि दंगल है तो शिफ्ट हो गई, ये किसी ने नहीं बोला। सुल्तान आई उसके साथ कबाली लगने वाली थी, बोला हाँ सुल्तान की लगा देंगे, कबाली शिफ्ट हो गई, वो किसी ने नहीं बोला। उसके बाद एक हफ्ता और शिफ्ट है कबाली, लेकिन वो किसी ने नहीं बोला। सुल्तान 300 करोड़ हमारी याद हुई सब लोग को, ये तो सारे बॉम्बे में ही है। ट्यूबलाइट मैं खुद, मैं भाई का फैन हूँ, मैं खुद बोलता हूँ ट्यूबलाइट क्रॉस नहीं करेंगी, मैं खुद बोलता हूँ। बट रिकॉर्ड की अगर बात होती है तो सलमान का रिकॉर्ड कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, जो फैन फॉलोइंग उसकी है कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, गारंटी बोल सकता हूँ। अगर कोई ना कोई रहेगा तो खानी को तोड़ देगा बाहुबली का रिकॉर्ड, बोले सलमान हो शाहरुख हो या आमिर हो, ये लोग ही तोड़ेंगे कोई ना कोई। हाँ, बाहुबली और ट्यूबलाइट को कंपेयर करें तो बाहुबली बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें उन्होंने सस्पेंस रखा था, जिस वजह से पब्लिक बहुत एक्साइटेड थी अब अगला क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो पब्लिक हमेशा ऐसे सोचती थी कि अब आएगी तो हम देखने ज़रूर जाएंगे, पर ट्यूबलाइट में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि जो उनका ट्रेलर था उन्होंने उसमें बता दिया था कि वो उसको लेने ज़रूर जाएगा, इतना तो ट्यूबलाइट में आ ही गया था ट्रेलर में, और बाकी सब तो ठीक था बस।